alaikum everyone welcome to vocabgram We you learn English with easy lessons in this lesson I have come up with English vocabulary words that are going to help you to level up your spoken English if you are a language enthusiast who is always in search of good vocabulary words this lesson is for you so let's get the ball rolling our first vocabulary word is supercilious supercilious is an adjective and it means behaving or looking as though one thinks one is superior to others magroor type ke jo log hota jo khud ko dusro se bada बेहतर समझते हैं ठीक है तो उनके लिए आप ये एडजेक्टिव अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके खुलीग्स हैं अगर ऑफिस में आप इस तरह से क्योंकि ऑफिस में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे वर्क प्लेस वैसे तो नॉर्मल जिंदगी में भी आपको इर्द गिर्द काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने आप को बुरा सुपर सीलियस समझते हैं uh, वह बिहेवी ऐसा करते हैं उनका डिमीनर ही सुपर सीलियस होता है ठीक है तो वहां पर आप ये वर्ड सुपर सीलियमालीजिए हर डिमीनर इज सुपर सीलियस मतलब उसका बिहेवियर उसके जो पूरा पर्सनैलिटी का जो भी आउटलुक है वो ऐसी है जैसे वो मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझता समझता है है वो वो ये कि मैं सुपीरियर बाकी सब जो लोग हैं ना वो मेरे से इनफीरियर है ठीक है किसी मर्द के लिए भी यूज कर सकते किसी खातून के लिए भी यूज कर सकते हैं जिनका जो दिमाग है ना वो साथवी आस, आसमान पर होता है तो उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए सुपर इसका एडजेक्टिव सॉरी इसका सेंटेंस है डिस्पाइट हर सक्सेस मारिया रिमेंड हम्बल एंड आउट सुपर सीलियस एटीट्यूड टूवर्ड्स हर लेस फॉर्चुनेट फीयर्स ठीक है देखिये कोई दोस्त होते ना काफी सारे दोस्त हो उनमें से कोई एक सक्सेसफुल हो जाए तो वो अक्सर अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो है वो बड़ा सुपर सीलियस बिहेव करता है ठीक है उसका एटीट्यूड जो है वो सुपर सीलियस हो जाता है यहाँ पे सेंटेंस में कि डिस्पाइट हर सक्सेस उसकी सक्सेस के बावजूद मारिया जो है वो हम्बल रही और उसने अवॉइड किया कि वो सुपर सीलियस एटीट्यूड जो है वो अपने जो लेस फॉर्चुनेट लेस फॉर्चुनेट कहते हैं जो इतने सक्सेसफुल नहीं होते उन मनी के लिहाज से जो है वो इतने आ, उस लेवल पर नहीं होते हैं तो ऐसे ही उसके जो दोस्त थे उनके साथ उसने बिल्कुल भी सुपर सीलियस एटीट्यूड जो है वो अडोप्ट नहीं किया नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इंटेलिबल ये भी बहुत ब्यूटिफुल वर्ड है हमें बहुत सी जगहों पर आ, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है एडजेक्टिव है इसका मतलब है नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन देखिए जहाँ पर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका गुजरा जैसे आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए आपने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर बड़ी अच्छी मेमोरीज आपकी बन गई और अब आपको लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये भुलाया नहीं जा सकता ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा ठीक है तो उस एक्सपीरियंस को आप इंटेलिबल कहेंगे मतलब द टाइम आई स्पेंट विद यू इज इंटेलिबल जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है वो अनफॉरगेटेबल है बट अनफॉरगेटेबल भी यूज कर सकते हैं इज नो हार्म इन यूजिंग अनफॉरगेटेबल और मतलब टोटली totally करेक्ट है बट इंडेलेबल जो है वो थोड़ा सा आपके स्पोकन इंग्लिश को और ब्यूटिफाई करेगा ठीक है तो इंडेलेबल एक ज़्यादा अच्छा वर्ड है अनफॉरगेटेबल भी बिल्कुल अच्छा वर्ड है सही है बिल्कुल ठीक है तो जो भी आपने कहीं पर कहना है कि ये एक्सपीरियंस या ये बात या ये किसी इंसान की बात जो आपके दिमाग में रह गई आपको कभी नहीं भूली ठीक है तो उसका वो रिमार्क उसका वो कॉमेंट उसका वो उसकी वो स्टेटमेंट जो है वो इंडेलेबल है मतलब वो आपको कभी भी नहीं भूल सकती किसी इंसान की हो सकता है नेगेटिव बात भी होती है ना समटाइम्स किसी ने ऐसा झूला बोला होता है जो हमें कभी नहीं भूलता हम भूल नहीं सकते हैं तो वो उसका कॉमेंट वो उसका तंज जो सारकज़म है वो इंटेलिबल है क्योंकि आप उसको कभी नहीं भूल सकते तो कहीं पर भी आपने ये कहना हो कि ये चीज़ हमेशा मुझे याद रहेगी और मैं कभी नहीं भूलूंगा या ये कभी भी नहीं भुलाया जा सकता तो वो चीज़ इंटेलिबल है सेंटेंस है द हिस्टोरिकल स्पीच मेड बाय द लीडर लेफ्ट एन इंटेलिबल लेगेसी इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन आप किसी लीडर ने इतनी हिस्टोरिकल किस्म की कि स्पीच की इतनी ज़बरदस्त किस्म की कि स्पीच की कि वो एक लेगसी बन गई वो स्पीच उसकी और वो अब जनरेशन तक जो है ना वो आने वाली जनरेशन तक वो याद रहेगी उसकी वो स्पीच और वो आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी तो वो इंटेलिबल स्पीच है ठीक किसी भी ऐसी चीज को कहना हो कि जो हमेशा याद रहेगी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी सरफास सरफास जो है ये वर्ब है और इसका मतलब ये होता है कंपेरिजन uh, uh, दूसरों को पीछे छोड़ देना कोई भी इंसान जैसे कि कोई इंसान सक्सेस में जो है वो आ, शी सरफास्ट हर फीयर्स उसने अपने जो भी दोस्त थे उन सबको पीछे छोड़ दिया मतलब वो इतनी सक्सेसफुल है या ही इज़ सो सक्सेसफुल ही सरफास्ट इज़ फीयर्स कि उसके वो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वो अपने तमाम दोस्तों को पीछे छोड़ गया हुआ ठीक है तो सरपास्ट का मतलब होता है पीछे छोड़ जाना वो क्वालिटी में पीछे छोड़ जाना परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ जाना आ, किसी भी तरह की कोई भी अच्छी चीज़ में आप दूसरों को पीछे छोड़ जाए आप ज़्यादा बेहतर जाए ये किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो सारी बाकी तमाम टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ते तो उसने सरपास कर दिया है बाकी तमाम टेक्नोलॉजी को ठीक है तो कोई भी ऐसी चीज जो दूसरों को जो उसके कंपेरिजन में चीजें हैं वो इंसानों में भी हम यूज़ कर सकते हैं हम चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं वहां पर आप ये वर्ड सरपास्ट जो है वो यूज़ करें ठीक है जैसे कि सेंटेंस है हर डेडिकेशन टू हर स्टडीज़ अलाउड हर टू सरपास हर क्लासमेट्स इन एकेडमिक अचीवमेंट उसकी जो डेडिकेशन टू हर स्टडीज़ थी कि उसकी पढ़ाई के साथ जो उसकी डेडिकेशन थी उसकी वजह से शी सरपास्ट हर क्लासमेट्स उसने अपने तमाम क्लासमेट्स को जो है वो पीछे छोड़ दिया इन एकेडमिक अचीवमेंट जो भी जो हमारी पढ़ाई लिखाई की जो अचीवमेंट्स होती हैं उसमें उसने अपने तमाम दोस्तों को पीछे छोड़ दिया नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी एडेयर एडेयर जो है ये भी वर्ब है और इसका मतलब टू तो स्टिक फर्मली टू तो समथिंग और फॉलो आर रूल बिलीव फॉर एग्रीमेंट ये दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है एडहेयर ठीक है ग्लू विल नॉट एडहीयर टू वेट सरफेस जो ग्लू है जब वेट सरफेस होती है उसके साथ वो एडेयर नहीं करेगी मतलब कि उसके साथ वो चिपकेगी नहीं तो किसी सर्फेस के साथ किसी चीज का चिपकना भी जो है वो एडहेयर कहलाता है इसी तरह से जो इसका दूसरा मीनिंग है वो है टू फॉलो आर रूल बिलीव और अग्रीमेंट किसी रूल को फॉलो करना किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना किसी अग्रीमेंट को जैसे अग्रीमेंट्स होते हैं ना मुख्य कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी अग्रीमेंट्स होते हैं ठीक है बिजनेसेस के बीच में होते हैं तो उनको फॉलो करना उन अग्रीमेंट्स को फॉलो करना तो इसको भी अडहेयर करना कहलाता है ठीक है जैसे कि सेंटेंस है एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अडेयर टू द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिकल गाइडलाइंस ठीक है कि जो है किसी कंपनी के अंदर ये लिखा हुआ हो सकता है बड़ा बड़ा के ऊपर लिखा हुआ हो कि एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू एडहेयर टू द कंपनीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंपनी के कोड ऑफ कॉन्टक्ट कंडक्ट्स जो हैं जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ जो है वो एडहेयर करेंगे और जो एथिकल गाइडलाइंस हैं एथिकल गाइडलाइंस भी कुछ बताई जाती हैं कुछ कंपनीज के अंदर उनको बड़ा फॉलो किया जाता है ठीक है तो उन सब चीज़ों को अगर जो 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 भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एडेयर करेंगे मतलब कि वो उनको मानेंगे उन पर अमल करेंगे उन उनकी उनके साथ जो है ना वो रू नहीं करेंगे मतलब किसी भी चीज़ को वो तोड़ेंगे नहीं किसी रूल को वो तोड़ेंगे नहीं उन पर उसको ऊपर अमल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इंप्योर इंप्योर का मतलब होता है टू वीकन डैमेज और डिमिनिश द क्वालिटी वैल्यू और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग किसी चीज की क्वालिटी को किसी चीज की एफिशिएंसी को किसी चीज की अपीयरेंस को किसी चीज की लुक को उसकी कीमत को उसकी वैल्यू को उसकी अहमियत को खराब कर देना कमज़ोर कर देना या ख़त्म कर देना डिमिनिश कर देना जो है ना वो एम्पियर कहलाता है जैसे कि हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग कैन एम्पियर द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ बिल्डिंग्स की आपको बिल्डिंग जो है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं लेकिन अगर फ्लडिंग हो जाए उस इलाके में या बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो क्या कर देते हैं वो एम्पियर कर देते हैं जो भी स्ट्रक्चरल uh, जो इंटेग्रिटी होती है जो मजबूती होती है उन उन बिल्डिंग्स की उसको वो एम्पियर कर देते हैं या अगर जैसे आपके

ओबीडियट नहीं होते हैं जो ऑर्डर्स पर अमल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स uh, हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं आवाम हो सकती है जब आवाम जो है वो गवर्नमेंट की बातें ना माने तो वो अनरूली हो जाती है वो क्राउड अन रूली हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जो आपके कंट्रोल में जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी अनरूली हो सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल वो ऐसी हरकतें करें मतलब रूल्स को फॉलो ना करें और आ, मतलब कि आ, एक किस्म की बगावत सी कर दे बगावत इन द सेंस नहीं आता मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जैसे क्लास में बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जैसे इसी तरह से क्लास रूम बिकेम अनरूली वन द टीचर स्टेप आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स हमेशा होता है चंद मिनट्स के के लिए के लिए फ्यू सेकंड्स टीचर जो है है वो क्लास से बाहर जाती है, और पीछे से क्लासरूम जो है ना वो अनरूली हो जाता है मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बच्चे इधर उधर भागम दौड़ ये वो चीची पापा स्टार्ट कर देते हैं ठीक है थीके? तो वो अनरूली सिचुएशन होती है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है विस्टफुल विस्टफुल जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब एडजेक्टिव क्यों लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है ठीक है एडजेक्टिव्स नहीं होता एडजेक्टिव्स कोई कुछ नहीं होता है तो विस्टफुल एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैविंग अ स्लाइटली सैड और थॉटफुल फीलिंग बिकॉज यू वांट समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव आस्टफुल जो है ना वो फीलिंग होती है ऐसी फीलिंग आई एम फीलिंग विस्टफुल क्या मतलब है आप किसी ऐसे थोड़े से उदास हैं और देखिए ये विस्टफुल फीलिंग जो होती है ना ये कॉम्बिनेशन होता है उदासी का और किसी चीज की ख्वाहिश का जो आपको मालूम है कि आपको हासिल नहीं हो सकती है काश ये जो काश वाली फीलिंग होती है ना इसको विस्टफुल कहते हैं जैसे विस्टफुल स्माइल किसी के चेहरे पे जैसे ओल्ड कोई पिक्चर आपने निकाली और आपको अपने बचपन की कुछ ब्यूटीफुल यादें या अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कुछ ब्यूटीफुल यादें जो है वो याद आ गई आपको तो आपके चेहरे पे एक विस्टफुल स्माइल आएगी या आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होंगे वो बड़े विस्टफुल हो गए या उस मोमेंट में आप विस्टफुल फील कर रहे होंगे कि काश मैं उस वक्त में वापस चला जाऊँ काश मैं इन मोमेंट्स को दोबारा से जी जेलूँ उस खुशी को दोबारा से जो है वो हासिल कर लूँ तो दैट फीलिंग इज अ अस्टफुल फीलिंग या जिसको हम हसरत वाली फीलिंग कहते हैं ना वो होती है विस्टफुल हसरत क्या होती है जब हम कहते हैं काश ये हो सकता कि किसी भी चीज को देख कर अगर आप यूर फीलिंग विस्टफुल टोन इन हर वॉइस सजेस्टेड अ डिजायर फॉर थिंग्स दैट हैड पास्ट कि उसकी जो वॉइस में जो उसकी वॉइस की जो टोन थी वो थोड़ी विस्टफुल थी हसरत हसरत भरी उसकी आवाज़ की जो टोन थी और जिससे ये पता लग रहा था कि वो उन चीज़ों की डिजायर कर रही है जो गुजर चुकी हैं जो गुज़रा वक्त अब वापस नहीं आ सकता तो गुज़री चीज़ों पे गुजरे वक्त पे जब इंसान काश करता है या जब हसरत भरी जो उसकी फीलिंग्स होती है तो दोज़ फीलिंग्स आर विस्टफुल अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है भाई जी फ्लिकेट फ्लिकेट जो है ना इसका मतलब टू मेक लेस एंग्री कोई गुस्से में है तो, तो उसको मनाना उसको फ्लिकेट करना कहेंगे अच्छा पैसेफाई वर्ड भी यूज़ होता है फ्लिकेट वर्ड भी यूज़ होता है ऑलमोस्ट दोनों का मतलब सेम है किसी को मनाना पैसेफाई करना और फ्लीप्लिकेट करना किसी को मनाना जैसे कि सेंटर से द मैनेजर ट्राई टू तो प्लिकट दी अपसेट कस्टमर बाई ऑफरिंग रिफंड अक्सर जो मैनेजर है वो आ, मतलब कस्टमर आते हैं ना और वो बड़े नाराज होते हैं ये आपने मुझे गलत चीज़ दे दी ये ऐसे कर दिया देखें जी मैंने इतनी पेमेंट की है आपने ये ख़राबी दे दी फिर मैनेजर ने उसको प्लिकेट कैसे किया उस आ, उस कस्टमर को बाई ऑफरिंग रिफंड उसने फिर रिफंड कर दिया ठीक है जी कि ठीक है जी आपने जितनी की भी चीज़ ली थी हम आपको आपके पैसे वापस करते हैं ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है तो कि आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेवल अप करेगी उसको पहले से बेहतर करेगी इन वर्ड्स को अपने स्पोकन इंग्लिश में ऐड कीजिए बोलिए इन वर्ड्स को बोलना इज़ इम्पोर्टेंट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे ओके okay, जी अल्लाह हाफि ऐसी